आज मैं बताऊंगी आपको कि इस मशीन को किस तरह चलाते हैं और कैसे इससे कागज भरते हैं और किस तरह इंटरलॉक करते हैं। इस मशीन को चला के आपको दिखा रही हूँ। तो पहले धागा भरते हैं। सबसे पहले आपको धागा भरना बता रही हूँ। इस तरह इसमें किया और इसको इस तरह इसको खिसका देंगे इस साइड, और यहाँ पे इसको लगाते हुए यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह हम इसको दबाएंगे। और जिस तरह हमें रोकना है इसको, तो हम इस पैर को इस तरह उठा देते हैं, और चलाना है जब तो इस तरह दबा देंगे, रोकना है तो इस तरह पैर को ऊपर उठा देंगे और इसको अपनी जगह पे फिर खिसकाते हुए इसको निकाल लेंगे। इसको इस तरह लगाया और धागा को अपनी साइड निकालना है और सुई को ऊपर की साइड ले जाएंगे और इसमें फिट कर देंगे इस तरह। और अब धागा को डालना बता रही हूँ। इस तरह यहाँ से लाएंगे और फिर इसको इस तरह इसको फंसाते हुए और यहाँ पे इसको एक बार टच कर देंगे इस तरह, इसको फंसा देंगे इधर, फिर नीचे की साइड लाते हुए इसमें फंसाएंगे, फिर इसमें, और अब सुई में डाल देते हैं और इसको इस तरह सुई को अंदर की साइड ले जाते हुए धागा इसका निकाल लेंगे इस तरह। ये धागा नीचे का ऊपर की साइड आ गया है। इन दोनों को धागा को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ से निकाल देंगे। इसको पीछे कर दिया है। अब इस पर सिलाई करके बता रही हूँ आपको। अब आप ध्यान से देखिए इसको किस तरह चलाना है और किस तरह रोकना है। तो जिस पहले हम इसको हिलाते हुए यहाँ पे सुई फंसा दी है, अब हम इसको दबाएंगे नीचे की साइड, दबाते हुए और सीधा ले जाएंगे और इस तरह रोक देंगे। जिस तरह अपना पैर रखते हैं और उठाते हैं, उसी से हमारे स्टेप चलते हैं। इस तरह रोक देंगे ऊपर की साइड तो ये रुक गई है, और जिस तरह दबाएंगे, जैसे दबाएंगे तो ये चलने लगी, और हाल पैर को ऊपर की साइड कर देंगे तो ये हाल रुक जाती है, मतलब एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको कम मशीन चलाना है, धीरे से चलाना है, तो धीरा पैर रखना है, मतलब जोर से नहीं दबाना है। अगर जोर से दबाओगे तो मशीन एकदम स्पीड पकड़ लेगी, तो आपको आपको आराम से चलाना है। अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलाइए, जब आपको हैबिट हो जाएगी चलाने की, आदत हो जाएगी, तो अच्छे से बन जाएगी। तो ये सीधा सिलाई जाएगा इस तरह। बस आपको ध्यान देना है कि आपको कहाँ पे रोकना है और कहाँ पे चलाना है। अगर आपको रोकना है तो पैर को हाल ऊपर कर लेंगे, और जब चलाना है तो पैर को दबाएंगे। एक बार और बता रही हूँ आपको, पैर को दबाया चलने लगी, पैर उठाया रुक गई, फिर चलाया फिर छोड़ दिया, तो उसी तरह रुकती जाएगी, एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ेगी। बस आपको पैर का ध्यान रखना है। अगर आपको रोकना है तो पैर अपना ऊपर कर लेना है, और आपको दबाना है तो पैर को नीचे दबाना है। तो हमने इस तरह रोक दी है, फिर इसको चलाना है। अब मैं आपको इंटरलॉक करके बता रही हूँ। इससे इसका थोड़ा सा यहाँ पे बटन को चेंज करना पड़ता है। इस तरह सुई हमारी ऊपर रहेगी, ऊपर की साइड सुई रहेगी, तब हम इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे। इस तरह किया, इधर यहाँ का स्टेप बदलेंगे और यहाँ पे करेंगे। आपकी मशीन में अलग हो सकता है, तो आप उसको समझ लीजिए, मतलब इसको बदलना पड़ता है। और हम फिर दबाएंगे पैर तो ये चलने लगेगी। इस तरह छोड़ देंगे तो ये हाल रुक जाती है, और फिर दबाएंगे तो इसमें इंटरलॉक भी होगी। इस मशीन से हमें क्या फायदा है कि हमारा टाइम बचता है, और एक मशीन से कई काम हो जाते हैं। जिस तरह जैसे हमें इंटरलॉक भी करना है तो हम हाल इसी में बनाते समय इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अगर काज भरना है तो हम काज भी भर सकते हैं। तो मैं आपको काज और भर के बता रही हूँ। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आपको ये मशीन बहुत आसान लगेगी चलाने में। तो इसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। पहले यहाँ का सिस्टम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह करेंगे, और यहाँ पे इसको एक पे लाएंगे,
और इसको इस तरह निकाल लेंगे इसका, इसको इस तरह दबा देंगे तो ये इसमें सेट हो जाता है। और इसको हम नीचे की साइड लेंगे, इसमें काज भरेंगे। तो मैं आपको काज भर के दिखा रही हूँ। तो आप पहले काज के लिए इस तरह निशान लगा लीजिए कि हमें काज इतना भरना है। इस तरह घुमाते हुए और इसमें एक और सिस्टम इधर से भी कर सकते हैं हम, पीछे की साइड अगर हमें नहीं घुमाना है तो हम इस तरह इसको पीछे कर देंगे। इस तरह ये पीछे भी चली जाती है। तो हम यहाँ पे इसको खिसका लेंगे और जितनी साइज का हमें काज चाहिए हम उतना इसको सेट कर लेते हैं और बस यहाँ से चलाते जाएंगे। तो ये मैंने आपको काज भी भर के बता दिए हैं। मशीन में चलाने में कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पैर को दबाइए और उठाइए, बस इसी यही इसी से आपको जल्दी बन जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2-3 दिन में ही अच्छे से चलाना आ जाएगा। एक बार और प्रैक्टिस करा देती हूँ आपको सीधी सिलाई के लिए। तो इसको फिर सिस्टम बदलेंगे इस तरह, इसी मशीन से हम पीको भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें सिस्टम बदलना पड़ता है। तो अभी मैं आपको एक बार और सीधी सिलाई बता रही हूँ करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको इस तरह पैर दबाना है और रोक देना है, जिस तरह आप जैसे ही पैर उठाएंगे वह मशीन रुक जाएगी। आप प्रैक्टिस करिए तो आपको बन जाएगी, जल्दी ही चलाना आ जाएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस मशीन के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत इजी है इससे सिलना, आसान है इससे सिलना, हमारा टाइम भी बहुत बचता है और ये वजन में बहुत हल्की है, कहीं पर भी हम उठा के इसको आराम से रख सकते हैं। और हमारा टाइम बहुत बचाया है इसने, जब से मैंने मशीन ली है मैं बहुत खुश हूँ। आप भी लीजिए, आपका भी बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है तो हमारा टाइम बहुत बचता है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इससे हम बटन लगा सकते हैं, काज भर सकते हैं, इससे हम पीको कर सकते हैं, और इससे पाइपिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक साइड से सिलाई जाती है, बहुत अच्छा है। और इससे पर्दा के लिए यूज करते हैं, इसको जितना चाहो फैसला से बढ़ा सकते हैं। और इससे हम रफ़ो भी कर सकते हैं और पीछे की साइड जाती है, बैक हो जाती है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और ये हम पिलो कवर बनाने के लिए, पर्दा बनाने के लिए इसके इसमें जो इतना सारा डिज़ाइन दिए हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।